कैसे हो आप? सब बढ़िया। बिल्कुल आप अच्छे होंगे। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग आज चार ही क्वेश्चन लिए हैं ना। इस चार क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अगले क्लास से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम को सीखने वाले। मतलब हमको एपी में कुछ टर्म दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, कोई एपी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, इसको हमको सिंपल सा एबीसी निकालना है। इसे मान लीजिए मेरा एपी है, इसमें हमको 5 टर्म तक ऐड करना होगा, 15 टर्म तक ऐड करना होगा, 50 टर्म तक अगर ऐड करने के लिए कहा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा एपी जा रहा है बोल दिया आपको 100 टर्म तक स्टार्टिंग से लेकर ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे वो सब कुछ हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले। बहुत मजा आने वाला है। अब वहां से थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, ठीक है? लेकिन हाँ, एक दो क्लास करने के बाद फिर से हम लोग वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको कल का क्लास और बेहतर तरीके से करना है। आज ये इस टॉपिक पर अंतिम क्लास होगा। टॉपिक की मैं बात करूँ, एपी में जो टॉपिक चल रहा है एन वाला, उस पर ये अंतिम क्लास होगा। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है भैया। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज रिविजन में जो है ना, आज हम लोग का क्यूब वाला फॉर्मूला आने वाला है। बिल्कुल, अब क्यूब का फॉर्मूला आएगा तो कम से कम क्यूब का फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए। वो क्यूब का फॉर्मूला क्या, सिंपल सा, कोई भी दो टर्म है अगर दोनों को ऐड कर दिया उसका क्यूब बोला जाए, तो किस प्रकार इसका फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे वो भी समझना है आपको। अगर a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो किस प्रकार क्यूब करते हैं ये भी समझना होगा, ठीक है? अगेन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा इसका क्या फॉर्मूला होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा इसका क्या फॉर्मूला होता, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा इसका क्या फॉर्मूला होता है। भैया ये सब तो हमको बताए हुए हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं? ये आपको बताए हुए हैं, जितना बताए उसको पहले आप खुद से ट्राई करोगे, जो नहीं बताए वो मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। देखो ये दोनों हम लोग नहीं सीखे थे जो आज सीखने वाले हैं। ए और बी का होल क्यूब कहा गया है ना, सिंपल सा ए क्यूब करना है और बी क्यूब कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लो। ए क्यूब और बी क्यूब कर लिए, फिर अगेन प्लस ए बी है ना, ए बी लिख लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए में जो है स्क्वायर लगा देना है, 3a² b हो गया। सेम नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, 3ab लिख देंगे। यहाँ पर a में हम लोग स्क्वायर लगाए थे, यहाँ पर b में हम लोग स्क्वायर लगाने वाले। एनी प्रॉब्लम भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन हम लोग अब सिंबल चेंज करने वाले। सिंबल चेंज क्या, कैसे सिंबल, कहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, बस वो समझना है, आपका ये काम हो जाने वाला। यहाँ माइनस है ना, अब कहाँ पर प्लस लगाएंगे कहाँ पर माइनस लगाएंगे इसको समझना है। भैया हम समझ में आ बचे हमका। देखो b का सिंबल माइनस है, जहां जहां b पर पावर ऑड, मतलब बी पर पावर मेरा ऑड और इवन समझते हो ना, जिसमें दो से डिवाइड लगेगा वो मेरा इवन होता है, जिसमें दो से डिवाइड नहीं लगेगा वो मेरा ऑड होता है, ये जानते हैं। अगर यहाँ देखो बी मेरा माइनस में है, तो जहां जहां बी दिख रहा है वो देखो, यहाँ है बी, यहाँ है बी, देखो यहाँ यहाँ बी और यहाँ है बी, यहाँ पर बी पर पावर 2 है, अर्थात यहाँ पावर मेरा इवन में है, अर्थात ये मेरा प्लस में रहेगा, ठीक है? अगर यहाँ बी पर पावर 1 है, ओड में है, अर्थात यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ बी पर पावर 3 है, अर्थात ये मेरा माइनस आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाओ, ये समझ में नहीं आया माइनस प्लस का ये क्या फंडा होता है, समझ में आ गया होगा। आपको पावर देखना है, जिस पर ऑड पावर रहेगा, बी पर पावर ऑड रहेगा, तो सिंपल सा हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या ही होगा, सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस, ये नहीं बताऊंगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। भैया जी मुझे भी पता है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। देखो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहीं पर एक फॉर्मूला इसका हम सिखाए थे आपको पॉलीनोमियल के लिए, वहां बहुत उपयोग होता होगा, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ याद पा रहो, माइनस 4ab, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर अल्फा बीटा के रूप में हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते थे। भैया जी फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, काश इस मैथ से फॉर्मूला खत्म हो जाता, कितना प्यारा ये मैथ बन जाता हमारे लिए। अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 फॉर्मूले तो याद करना है, और कौन सी बड़ी बात है, आराम से आप याद रख सकते हो, ठीक है? 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस नहीं लगाना है, सब मेरा प्लस में है, जो टर्म मेरा माइनस में रहेगा सिर्फ उसमें माइनस लगाते हैं, मैंने सिखाया था। अगेन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, आराम से यहाँ तक पहुंचेंगे, और यहाँ तक बनाने के बाद हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाने का प्रयास करोगे, 2 + x का होल स्क्वायर इसका वैल्यू निकालोगे जल्दी से, और 9 - x का होल स्क्वायर इसका वैल्यू निकालोगे, हल्दी हल्दी इस दोनों का आपको वैल्यू निकालना है, कौन सा स्क्वायर नहीं क्यूब, तो स्क्वायर तो आप आराम से बना लोगे, क्यूब का काम इस
क्वेश्चन में होने वाला तीसरे नंबर क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ। ओके जल्दी से बनाओगे इसको भैया, ठीक है बनाओ, बैठे हल्दी हल्दी से जल्दी बनाओगे ना, कौन सी समस्या है आपको, हल्दी हल्दी बनाओ यहाँ तक भैया, बना बैठे। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, सिंपल से हम लोग क्या ही करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब प्लस x क्यूब करने वाले, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना ही, समस्या क्या होता है हमका का पता भैया जी। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू x कर लिए, फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू x का होल स्क्वायर। फॉर्मूले ध्यान में नहीं आएंगे तो आप हमें बताइएगा, हम फॉर्मूले याद करने का एक और तरीका है वो भी तरीका सिखाएंगे, लेकिन पहले ये तरीका देख लो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं हूं ना, आप बोलना भैया ये फॉर्मूला ना चाहिए कुछ और फॉर्मूला एक और फॉर्मूला वो भी सिखा देंगे अगर आप बोलोगे तो, सिर्फ तरीका सेम वही चीज है, तरीका चेंज कर देंगे। आपको सिखाने से मतलब है ना मुझे, मैं कोई सा भी तरीका लगा करके आपको सिखाने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन सीखना अगर आपके अंदर है सीखने का इच्छा तभी ये वो सफल होगा। हाँ भैया हम समझ रहे हैं आपकी बातें, इसको सॉल्व कर देंगे और काम बन जाने वाला। यहाँ पर आपका 8 हो गया, यहाँ पर x क्यूब हो गया, यहाँ पर आपका 4 × 12x हो गया, ठीक है समझ रहे हो कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 × 6x² हो गया, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, सेम इसको भी सॉल्व करके बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर मान लो बीच में माइनस होता क्या करते भैया जी, बीच में आपका माइनस होता ना, हम लोग एक काम कर सकते थे, क्या ही काम करते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ भैया जहाँ पर बी पर पावर मेरा और नंबर रहेगा, यहाँ बी पर पावर 1 है यहाँ, और यहाँ बी पर पावर 3 है, तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस दे देना, बाकी सब मेरा प्लस में रहेगा। हाँ भैया हम समझ चुके हैं कहाँ क्या कैसे और क्यों करना है, हर एक चीज को हम लोग समझ गए, मतलब x क्यूब वाले माइनस और x वाले में आपको माइनस लगाना है, जो टर्म यहाँ रहेगा उसमें माइनस लगाना है सिर्फ स्क्वायर वाला छोड़ करके। भैया ठीक है आपकी बातें हल्की हल्की समझ में आ रही है, हल्का हल्का नहीं पूरा समझ लियो, ठीक। यहाँ तक समझने के बाद हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ध्यान से पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व करोगे आप, भैया जी हम सॉल्व करेंगे कि आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आज भी लगता है बल्ब हमारे साथ मजाक कर रहा है, कभी अधिक रोशनी दे रहा है कभी कम रोशनी दे रहा है, लगता है इसको मजाक करने का मन हो रहा है यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब अपना सारा ध्यान, हाँ जी आप अपना सारा जितना भी ज्ञान इंद्रिय है ना आपके पास, सारा सारा ज्ञान इंद्रिय यहाँ पर टिकाओगे। भैया ये टिकाना क्या होता है, मैं सिखाऊंगा ना टिकाना क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझने के बाद ये विचार करोगे हमारे क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विचार कर लियो, बिल्कुल आप विचार कर लियोगे। देखो यहाँ पर थोड़ा हम भी देख ले हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर कोई एपी है उसका एम्थ टर्म आपको दिया हुआ है, अच्छा एम्थ टर्म दिया हुआ है, चलिए किसी एपी का एम्थ टर्म लिख लिए, उसमें बोला गया एम से मल्टीप्लाई कीजिए, वो एम टाइम्स भी है, अच्छा एम टाइम्स भी लो एम से मल्टीप्लाई किए, और फिर इज इक्वल टू वो मेरा बराबर है, किसके बराबर है, वो बराबर है एंथ टर्म के बराबर है, अच्छा अच्छा लेकिन एंथ टर्म में आपको एन से मल्टीप्लाई करना होगा, एन टाइम्स करना होगा, इसके बराबर है, बस यहां तक में यही दिया हुआ था, ये समझ में आया नहीं आया, आप जल्दी सोचो समझो इसको देखो, मैं तो इसको ढक लेता हूँ फिर इसको क्वेश्चन को देख के, यहाँ तक आप भैया जी क्या ही कह रहे हैं, हम देख लिए एक बार तो वो मेरे दिमाग में छप ही जावत है अच्छा देखो अच्छी बात है, इसको देखो अच्छे तरीके से, ठीक समझ लो अच्छे तरीके से कहाँ पर क्या समस्या हो रहा है, समझने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं आप हर एक टर्म को समझ रहे हो, इसको पढ़ के यहाँ तक आप खुद पहुंच गए हो कि नहीं पहुंचे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम में लैंग्वेज पढ़ के यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करना है आपको। अगेन देखो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेम नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो आपको खुद से प्रयास करना है, इसके आगे खुद से प्रयास करो, और ये विचार करो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है m प्लस nth टर्म निकालना है, अच्छा अच्छा हमको ये वैल्यू निकालना है m प्लस nth टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे भैया जी, इतना टर्म मतलब a m प्लस n का वैल्यू निकालना है, a m प्लस n क्या होता है, हम तो सिर्फ ये पढ़े हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, हाँ भैया जहाँ n दिख रहा है वहां पर m प्लस n लिख देना है, a प्लस क्या हो जाएगा सिंपल सा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये समझ में आया आपको, अगर समझ में नहीं आया तो बोलो या फिर यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या ए एन की जगह एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं बिकॉज माइनस के बाद अगर दो टर्म आएगा उसको हम लोग को पोस्ट में लिखना अनिवार्य रहता है, वरना ऐसे भी ठीक है। ओके मेरी बातें समझ में आई होंगी, यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्म में दिख रहा है एन की जगह पर एन प्लस एन लिखे, ऐसा मिटा के क्यों लिखे, क्योंकि आपको हर एक बात समझ में आए, जानना आपको है आप किस प्रकार समझोगे वो मायने रखता है, ठीक है यहाँ देखो। अब सिंपल सा एक काम करना है, वो काम क्या करना है, हमको ये दिखाना है इसका जो वैल्यू निकालेंगे ना वो जीरो हो जाएगा, अच्छा अब करें तो करें क्या, किस प्रकार से बनाएं,
इस पर विचार करना होगा। आप सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे, ए एम का वैल्यू जानते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एम का वैल्यू जानते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आराम से पुट करोगे सबको एक तरफ लाओगे, कॉमन लोगे ए कॉमन और डी कॉमन लोगे, मेरे ख्याल से अंदर में एम माइनस एन का टर्म आ जाएगा और ये मेरा प्रूफ हो जाने वाला है। प्रयास करोगे, छोड़ो मैं देखता हूँ आप देखो कैसे क्या हो रहा है, पहले समझने का प्रयास करो, जहां पर मुझे लगेगा हाँ प्रयास कर रहा है मैं आपको बोल दूंगा हाँ यहाँ से प्रयास करो, वरना ऐसे नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ क्या वो देखते हैं, गिवन डेट हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एम टाइम्स ए एम इक्वल टू एन टाइम्स ए एन। प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना, बगल में लिख लेते हैं, हमको ए एम प्लस एन का वैल्यू निकालना, अर्थात ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू निकालना है, ये दिमाग में रख के अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे ना, ए एम का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, अगेन यहाँ पर सिंपल सा ए एम का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू, आपको हमको ही डिस्टर्ब करना होता है, पता निकलिए पता निकल जाए यहाँ से हल्का हम ही हट जाते हैं, एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कहीं कोई दिक्कत ना भैया, इसमें क्या ही दिक्कत होगा। अगेन अगेन यहाँ देखो, अब मल्टीप्लाई करना है हमको, ए वाले की तरफ रखना है, डी वाले को भी एक तरफ ही रखना है आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, सबको इधर लेते आएंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सबको एक तरफ लाएंगे, यहाँ पर एम और ए हो गया प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी हो गया, फिर यहाँ एन का मल्टीप्लाई एन ए हो गया, फिर एन का मल्टीप्लाई इसके साथ एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, बस दो लाइन है, दो लाइन अच्छे तरीके से देखोगे ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अगर दो लाइन अच्छे तरीके से आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समस्याएं आएंगी, याद रखना। अब यहां से दो लाइन बस अच्छे तरीके से देखोगे, समस्या खत्म, ये क्वेश्चन कभी आप गलती ही नहीं करोगे, याद रखना। दो लाइन इसलिए कह रहा हूं हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना यहीं पर, ओके। अब इसको इधर लेते आते हैं, अच्छा ठीक है, लाते हैं ना, यहाँ एम ए था पहले से प्लस, भैया आप दो लाइन बोले हैं, दो लाइन से ज्यादा होगा ना, देख लीजिएगा फिर ऐसे भी नहीं करते ना, इस सबको इधर लाते हैं, प्लस में ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, इक्वल टू जीरो सबको लेते हैं, यहाँ कुछ ना बचा बराबर इस बार, तो इक्वल टू जीरो लिख दिए। अगेन देखो ये ए वाला टर्म देखो, यहाँ ए वाला टर्म देखो, ए ए कॉमन लेना है, अच्छा भैया ए कॉमन ले लिए, क्या बचा एम माइनस एन बचा, हाँ भैया ठीक है। अब ये डी वाले टर्म से डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन लिए, यहाँ बचा प्लस इंटू प्लस एम इंटू एम माइनस एन, एम माइनस वन है, एन नहीं है, सॉरी माफ करना, डी कॉमन लेंगे तो एम इंटू एम माइनस वन होगा, एम इंटू एम माइनस वन होगा, अगेन यहाँ माइनस एन इंटू एन माइनस वन होगा, D कॉमन ले चुके हैं, मेरे ख्याल से आप यहां तक पहुंच चुके हो, बस यही दो लाइन है, अगर ये समझ गए हो तो समझ लो समस्याएं खत्म, खत्म समस्या। अच्छा भैया जी, समस्या को ही खत्म कर दीजिएगा, मजे आ जाएगा भैया जी, फिर यहाँ तो A इंटू एम माइनस एन, फिर प्लस डी इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एन। वाह भैया जी, बहुत ही मजा आ रहा है, हम पता है हमें आपको बहुत मजा आ रहा है और हमें बनाने मजा आ रहा है। हाँ जी देखो, यहाँ पर ए इंटू एम माइनस एन हो गया प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या होगा, इस दोनों का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ते हैं फिर एक बार दोनों घटाते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे इंटू फिर दोनों को एक बार घटाएंगे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा रुको, हम एक तरफ करके ही करेंगे वरना आपको समझ में ना आता है, इसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया, हाँ भैया ये आप एक जगह कर लिए, बाकी सबको एक जगह कर लो, माइनस एम प्लस एन कर लिए, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा, हाँ भैया ठीक है। आगे देखा सर, यहाँ पर आप एक काम करोगे, हमको वो लाना है ना, हो जाएगा देखो, आराम से इक्वल टू जीरो देके चलते रहना है आपको, ए इंटू एम माइनस एन, ठीक है, प्लस डी इंटू, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, भैया ये तो हमें पता है देखो आराम से इस दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, आपको घटाने आवत है कि नहीं आवत है, भैया जी आता है, अच्छे तरीके से आता है, आना चाहिए आपको, इसको सॉल्व करोगे इसके बाद तो यहाँ ए एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ माइनस को मान लोगे, सबसे एम माइनस एन को बाहर निकालोगे, कर पाओगे आप, कर सकते हो आप, हाँ कर सकते हो, प्रयास करना चाहोगे करो प्रयास, हम भी करते हैं, करना क्या, हमको पता है कैसे कैसे क्या हो रहा है, हम चाहते हैं एक बार आप प्रयास करो, ठीक है, देखो यहाँ कैसे करते हैं, एक बार दोनों को जोड़े, एक बार फिर दोनों घटाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ एम बचेगा, यहाँ माइनस एन बचेगा, देखो ना ये मेरा उस फॉर्म में आ गया, हमें दिख गया आंसर, भैया जी आप देख लिए आंसर, गलत बात, आंसर नहीं देखते ना, चीटिंग करते हैं आप, बहुत गलत करते हैं आप, अरे चीटिंग कहाँ करते, सबसे अच्छा रुको, ऐसे भी कॉमन लेंगे, यहाँ डी था, इस दोनों से हम एम माइनस एन को कॉमन ले लिए, एम माइनस एन कॉमन ले लिए, क्या बचा अंदर में, बच गया एम प्लस एन, और यहाँ बचा माइनस माइनस, इसको कॉमन लिए है, यहाँ वन बचा, भैया जी
ये लग रहा है अब सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। यहाँ पर एम माइनस एन, यहाँ पर एम माइनस एन, यहाँ से दोनों से एम माइनस एन कॉमन ले लिए, तो ए यहाँ बचा, अब प्लस डी इंटू ये वाला टर्म बचा। ठीक है, कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगा जब थोड़ा आप मेहनत करोगे। इसको उधर भेज देंगे, यहाँ बचा ये ए प्लस डी इंटू ये टर्म, हाँ भैया ये टर्म बचा एम प्लस एन। अच्छा देखो समझना है, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, आराम से ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, यहाँ देखो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एम प्लस एन का ये वैल्यू हुआ, बिल्कुल वैल्यू हुआ। यहाँ पर एन की जगह पर एम प्लस एन है, तो यहाँ पर भी एम प्लस एन हो जाएगा एन की जगह पर इक्वल टू जीरो। हमको इसी टर्म को जीरो दिखाना था, हम जीरो दिखा चुके हैं। ठीक है, आराम से हम लोग जीरो दिखाए। इसको आप दो बार बनाओगे, मुझे पता है कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको समस्याएं होंगी, और कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप इसको अधिक से अधिक बनाओगे, इसलिए मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए। ठीक है, आपको इसको बनाना है अच्छे तरीके से। इसके आगे का क्लास जो है हम लोग कल क्लियर करने वाले हैं। ओके, अभी समय हो गया है। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, 2-3-4 कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आया होगा। पहले इसको दो बार बनाओगे तभी आप आगे बढ़ना, बिना देखे बनाना है दो बार, ऐसा नहीं कि देखे बना लिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको बिना देखे आपको बनाना है, दो बार बनाओ आराम से समझ में आएगा, और बिना देखे बनाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ ध्यान दोगे, कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक यहाँ तक पहुँच गए थे, बहुत अच्छी तरीके से पहुँचे थे। ठीक है, वैसे आज डेट कौन सा हो गया, आज हो गया आपका 25 अक्टूबर, ध्यान में रखियो। ठीक है, और अपने स्पीड को हम लोग जैसे जैसे बोल रहे हैं आपको पढ़ाई करने के लिए, वैसे वैसे पढ़ाई करना है। मैंने क्या कहा था, कुछ ध्यान में है आपको? अच्छा रुको, पहले बोर्ड साफ करने दो हमें। ओके मच्छर अभी हाँ जी। वैसे ये इस टॉपिक का, एन वाले टॉपिक का ये 4 अंतिम सवाल था, जिसमें से हम लोग एक सवाल कल कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आज जो है आपका 25 अक्टूबर है, हम बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे और याद दिलाते ही रहेंगे, जिससे कि आप जल्दी से अपने समय पर अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लो। ठीक है, आज 25 अक्टूबर है, और हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं। क्या डिसाइड किए हुए, कि 30 अक्टूबर तक में जो है, 30 अक्टूबर तक में हम लोग 55 लेक्चर तक पहुंचेंगे। हम मान रहे हैं इसके बाद जो है आपका दीपावली और छठ पूजा स्टार्ट हो जाने वाला। वह दीपावली और छठ पूजा में तो पढ़ाई होना तो नहीं चाहिए भैया जी, होना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ, हम पढ़ाई ना करब क्या? मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करो। मैं खुद लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, टारगेट देने वाला हूँ, इतना लेक्चर इतने दिन में कंप्लीट करना है, वो तो होएगा ही। ठीक है, 30 अक्टूबर के बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, बिकॉज हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारी ये इच्छा है कि आप लोग जो है, आप जो है कम से कम 1 घंटा समय जरूर निकालोगे। किसके लिए? अपनी पढ़ाई को जरूर 1 घंटा समय दोगे, चाहे वो दीपावली का समय हो या छठ पूजा का समय हो, 1 घंटा तो जरूर आप निकाल सकते हो, 1 से 1.5 घंटा हर दिन। ठीक है, या सुबह उठ के निकालो, या फिर शाम में जब आप 7 से 8, 7 से 9 उस समय में आप पढ़ाई कर सकते हो, ध्यान में रखना। तो कोशिश करना है कि हम लोग जो है सही समय पर अपने अपने टारगेट को अचीव करें। ठीक है, प्रयास करो आप जितना हो सके, अपने तरफ से आपको पूरा प्रयास करना है। ऐसा नहीं भैया जी मन ना लगा था, जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई करेंगे, वो काम नहीं, अपने तरफ से पूरा समर्पण दो। हाँ भैया बोले हैं तो करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक आपको करना है। ओके, बाकी ऊपर वाली की इच्छा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, जैसे आप प्रयास करते आते हो। ओके ठीक है, बस डेट ध्यान में रखना, हमें इतने डेट में कंप्लीट करना है, बिकॉज पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। आपको लग रहा होगा कि नहीं हो गया पढ़ाई, लेकिन नहीं, पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है। आप इधर कुछ दिन पहले आपका एग्जाम हुआ था, अभी तो पूरा सिलेबस से आपसे पूछा भी नहीं गया है, फिर भी देखो आपका जो है, मात्र आपको लग रहा होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं ना, उससे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से सारा बन रहा होगा, लेकिन जो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हैं उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही होंगी। अब उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, सिर्फ एक ही आपके पास तरीका है उन समस्या को दूर करने का, वो तो तरीका है निरंतर पढ़ाई, कंटिन्यू हमको चाहिए पढ़ाई, तभी जाकर के आप हर एक समस्या को कंप्लीट कर सकते हो, इस बात को समझ के चलिए। ठीक है, अगेन 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 हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना, बिल्कुल सॉल्व हो गया था। उम्मीद करते हैं
आपसे उम्मीद करते हैं एग्जाम जैसे समाप्त होगा अपने 7 क्वेश्चन को फिर से आप चालू करोगे, और क्या जो 5 लाइन हम लोग याद करते थे उसको भी आप फिर से चालू करोगे, ठीक है, उसको आप जो विराम किए हो ना, चलिए उसको फिर से चालू करना है आपको। हाँ जी, भले ही संडे रहे कि मंडे रहे उससे आपको मतलब नहीं रखना है, डेली आपको 7 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और डेली आपको जो है याद करना है, ओके, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, इस बात को समझ के चलना, एग्जाम आपको ही लिखना होगा वहां पे। भले ही मेरे मानने से ये नहीं होगा कि हाँ हाँ मैं मान रहा हूँ कि मेरा भी एग्जाम है, सिर्फ मानना और वाकई में होना दोनों में काफी फर्क है, आपका रियली में एग्जाम आपको आपको देना है तो आपको ही मेहनत करना होगा, इस बात को समझो, ठीक है। अगेन हम लोग चलते हैं अपने, हाँ जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बड़ी तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, इसे प्यारे से सेकंड नंबर क्वेश्चन से पूछोगे क्या क्या दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, तो सेकंड क्वेश्चन में बहुत 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 प्यारा प्यारा चीज आपको दिया हुआ है कि कोई एपी है आपके पास। हाँ जी, पहले खुद एक बार प्रयास करो ना, एक बार खुद से जो है ना आप क्वेश्चन को पहले लिख लो और क्वेश्चन को पढ़ के ये समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या ही दिया हुआ है और क्या पूछा गया है हमसे। सिर्फ इतना समझ जाओगे ना, ये प्रश्न आपसे यहीं पर बन जाने वाला। देखो मैं समझाता हूँ, कोई एपी है जो कि 50 टर्म्स जो है अपने अंदर रखता है, मतलब ये हमारा प्यारा सा एपी है, हमका ना पता क्या एपी है लेकिन इसके अंदर कितना टर्म्स है भैया, इसके अंदर जो टोटल कितना टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 50 है। वाह भैया जी, ये तो क्वेश्चन कहा गया। अगेन इसी एपी का जो है तीसरा टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसी एपी का जो तीसरा टर्म है ना, अर्थात A3 का वैल्यू हम लोग को 12 दिया हुआ है। अरे भाई साहब, एंड लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है 106 दिया हुआ है। अच्छा, इसका लास्ट टर्म क्या होगा भैया, इसमें 50 टर्म ही है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां टर्म होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर लास्ट टर्म की बात की जा रही है, इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता, इसमें टोटल 50 टर्म ही है तो इसका लास्ट टर्म 50वां टर्म ही होगा, अर्थात A50 हम लोग को कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। तो हमको जो है फाइंड करना है 29th टर्म फाइंड करना है हमको, अर्थात A29 ये हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होने वाला। सिंपल सा इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, A3 इक्वल टू 12 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 12, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर A50 को हम लोग लिख सकते हैं A+49D इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग का A और D का मान निकल जाएगा, जैसे ही A और D का वैल्यू निकलेगा वैसे हम लोग A29 आराम से निकाल सकते हैं। प्रयास करो आप, हाँ जी आप प्रयास करो, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा, जल्दी प्रयास करो, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ आपके लिए, प्रयास हो गया होगा, बस यही आपको प्रयास जारी रखना है, प्रयास करते रहो। हाँ भैया प्रयास किए कम नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब मैं कहता हूँ प्रयास करो, प्रयास जरूर करना है, ओके। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना है, आपको मिलाना है, भले ही हम उम्मीद करते हैं पूरा नहीं बना होगा लेकिन जरूर है आपने प्रयास किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ कुछ स्टेप तक जरूर आप आगे बढ़े होंगे, बस हमें उससे ही मतलब है, लेकिन मैं लोभी मन हमको लगता है आप पूरा बना लिए हो, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग को क्या ही दिया हुआ है, सबको लिखते चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा टर्म कितना है, 12 है, हियर हमको दिया हुआ है तीसरा टर्म जो है इसका 12 दिया हुआ है। अगेन इसका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 106, चूंकि इसमें टोटल 50 टर्म्स ही है अर्थात यहाँ पर A50 का वैल्यू दिया हुआ है 106। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। हाँ भैया आराम से इसको लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A+49D इक्वल टू 106, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ए और डी का मान निकल जाएगा और हम A29 निकाल लेंगे, 29th टर्म हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड को पहले लिख लेते हैं A+49D इक्वल टू 106, ठीक है लिख लिए। अगेन फिर इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे A+2D इक्वल टू 12, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, सॉल्व करते हैं, सिंबल चेंज कर लिए, जैसे सिंबल चेंज हुआ ये A कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर 49D है यहाँ पर 2D है, इसमें आपस में ये सॉल्व होगा, भैया D का D लिख लिए, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 47 हो जाएगा, और यहाँ पर
106 में हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल से हम लोग का 4 यहाँ 9 9 4 हो जाने वाला। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े आराम से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो डी का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इतना बोल रहे हो आप तो 94 पहले से था, यहाँ पर 47 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको बराबर किस तरह भेजेंगे तो मेरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल आउट हुआ, यहाँ पर रिजल्ट मेरा 2 निकल गया, बिल्कुल सही, अर्थात डी का वैल्यू 2 निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग डी का मान पुट करेंगे और ए का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे, अगेन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट डी इक्वल टू 2, ये वैल्यू पुट करने वाले। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लें, भैया लिखिए ना, है क्या इक्वेशन फर्स्ट, मेरे ख्याल से अगर यहां तक नहीं पहुंचे हो आप तो यहां तक पहुंचो और डी का मान यहां पर 2 पुट करो, कम से कम अब तो करो, अगर नहीं पहुंचे हो तो यहां देखो। अब आराम से हम लोग ए प्लस 2 डी का मान 2 पुट कर लिए, अब यहां इसको सॉल्व करेंगे और ए का मान हम लोग का निकल जाने वाला, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा, देख करके मजा आ जाने वाला, भैया क्या ही रिजल्ट निकला है, इतना प्यारा रिजल्ट, बहुत प्यारा रिजल्ट निकला, ए का मान हम लोग का 8 निकल गया है और डी का मान हम लोग का जो है 2 निकल गया है। अब बड़े आराम से जो हम लोग को निकालना है 29th टर्म, वो हम लोग टर्म निकाल सकते हैं, यहाँ लिखना है हेंस, अतः ए 29 क्या होगा, ए प्लस 28 डी हो जाएगा। बड़े आराम से ए का वैल्यू 8 पुट करेंगे और 28 इंटू डी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसको सॉल्व किए लेंगे ना, क्या दिक्कत है, हाँ बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, ये 64 निकल गया ये, ठीक है, ए 29th टर्म जो हम लोग का 64 निकल चुका है, बस इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है इसको, ओके बस यहाँ तक जल्दी पहुंचो, अगर नहीं पहुंचे हो तो यहाँ तक पहुंच गए होगे भैया, ठीक है मेरा तो हम तो पहुंच गए, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई आप खुद से करना चाहोगे, भैया हम ट्राई तो करते ही ना, पहले आप एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए, क्वेश्चन समझ लेंगे और फिर ट्राई करते रहेंगे। अच्छा कोई नहीं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसमें क्या है, ला 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 ला, देखो ध्यान से समझोगे सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी खत्म कर देते हैं, जो क्वेश्चन में बता दिया हूँ, हटो टाटा बाय बाय जाओ, घूमो फिरो मस्ती करो, हाँ जी यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं आपका, यहाँ समझोगे अब, समझना है बस आपको, समझना है मैं क्या समझा रहा हूँ, समझते चलो। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बस आपको ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने ईमानदारी पूर्वक क्यों कहा आप समझ गए होंगे, अगर मैं कह रहा हूँ खुद से बनाने तो खुद से का प्रयास जरूर करना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान भटका हुआ है ध्यान को यहाँ लेते आओ, भैया हमारा ध्यान भटकता नहीं है, ठीक है यहाँ देखो, अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहले आप ये प्रयास करोगे, कैसे प्रयास करना है, पहले क्वेश्चन को लिखना है एक बार और फिर वही करना है, समझने का प्रयास करना है हमारे प्यारे से क्वेश्चन में, हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, कम से कम पढ़ करके एक बार ये समझने का आपको प्रयास जरूर करना है, एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे मजा बहुत आने वाला है इसको बनाने में, उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ लिए होगे, समझ लिए होगे क्या दिया हुआ है, उसको लिख भी लिए होगे और जहां तक बना होगा वहां तक बनाए होगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, एक बार हम भी देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी में जो है कोई एपी है मेरे पास, उसमें जो है 3 नंबर का सम दिया हुआ है, कितना 12 है, बस पहले इसी को लिखते हैं, हमको वो 3 नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई प्यारा सा एपी है इसमें जो है इसका 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन 3 नंबर पता ही नहीं हमको, जब हमको एपी में नंबर मानना होता है तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि 3 नंबर हम लोग क्या क्या मानते हैं, हम लोग वैसा 3 नंबर मानते हैं जो कि वाई वाला टर्म तो खत्म हो जाए, सिर्फ एक्स वाला टर्म बचे, मतलब 3 नंबर में हम लोग एक्स मानते हैं, एक्स प्लस वाई मानते हैं और एक्स माइनस वाई मानते हैं, याद पारो हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो है ना 1 घंटे का लेक्चर इसी पे रहा था, अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल हम लोग ये नंबर मानते हैं, इस नंबर को मानने में कोई समस्या आपको नहीं आ रहा होगा, अगेन यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है हमको, दिया हुआ नहीं हम लोग इसको माने हैं, ठीक है सब कुछ मान लिए हैं आप ही को, ठीक है। अब इसका सम दिया हुआ है, कितना सम दिया हुआ है, इसका सम 12 दिया हुआ है, कितना इसका जो सम दिया हुआ है वो हमारा प्यारा सा 12 दिया हुआ है, 12 हाँ भैया 12 दिया हुआ है, हाँ जी। अगर फिर कहा गया है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका जो क्यूब्स होने वाला वो 288 होने वाला, ठीक है 288 होने वाला, किसका क्यूब, इन सब का क्यूब जो है 288 होने वाला, करेंगे क्यूब क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब, हम इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं, यहाँ पर x का क्यूब
और फिर आपका x प्लस वाई का होल क्यूब, इस सब का क्यूब कितना होने वाला है 288 अर्थात 288 होने वाला, 288 होने वाला, हमको ये नंबर फाइंड करना है। सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाने वाला है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपका x का वैल्यू निकलेगा। और फिर इसको सॉल्व करोगे पूरा, पहले वैल्यू मत पुट कर दियो एक्स का, पहले सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद जब कट छट जाएगा सब, तब जाकर के आपको एक्स का मान पुट करना है वहां पर, तब आसानी से बनेगा। ऐसे पुट करोगे ना तो आप 4 का क्यूब, ये क्यूब, वो क्यूब, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक्स का कोई वैल्यू पुट नहीं करना है, पहले खुद से मतलब बिना वैल्यू पुट किए पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो प्रयास, मैं रुका हुआ आपके लिए। एक बार प्रयास करना है तो प्रयास जरूर करो, आराम से बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं किए हुए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले, ये भी किए हुए हैं बस, लेकिन समझ का और फिर है, उस समझ को हम लोग समझ लेंगे, समझ को समझ के समझेंगे। समझ समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझा समझो उसको ना समझ है। यहाँ देखो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो नंबर हम लोग मान लेते हैं पी का, तो लिखो लेट थ्री नंबर्स इन एपी बी, वो नंबर कौन कौन सा है, एक्स है, एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है। नंबर मान लिए हम लोग, नंबर मानने के बाद बोला गया है सम इसका 12 है, लिखो यहां पर नाउ सम दिया हुआ है 12, तो x माइनस वाई जोड़ दिए, फिर x को जोड़ दिए, फिर x प्लस वाई को जोड़ दिए, ये 12 के बराबर हो रहा। यहाँ से y और ये y वाला टर्म कैंसल आउट, यहाँ 3x इक्वल टू 12, यहाँ से 3 और x के बीच में हमारा मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई को उजागर कर दो, ये 3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, 3 आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर किस तरफ आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व कैंदा कौन सॉल्व करेगा, आपका भाई सॉल्व करेगा, आप सॉल्व करोगे 3 × 12, x का मान यहाँ पर 4 निकल गया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है समस्या के लिए जो आने वाली समस्याएं, अभी जो समस्या आ रहा है ना कि पूरा बताने के बाद मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी समस्या आ गई भैया जो आपको ये करना पड़ रहा है, मैं आपको समस्या नहीं बताने वाला, बिकॉज मैं समस्या बता करके आपका पढ़ाई के प्रति जो झुकाव है मैं उसको कम नहीं करना चाहता। समस्याएं बहुत सारी आती है, आप समस्या समझ लो, क्या समस्या आया होगा भैया को जो भैया फिर से बता रहे हैं, क्या समस्या आ सकता है वो आप खुद जानो। ठीक, जानना ही नहीं आपको, खत्म, भैया का समस्या भैया को रहने दो। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, मैं 2 घर 5 घर बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो समस्या आता है डिजिटल का दुनिया, मतलब रिकॉर्ड करने में समस्या हल्का फुल्का आता है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, शायद हम लोग का यहां तक ठीक से रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो नहीं रिकॉर्ड हुआ मैंने उसको मिटा दिया है। ठीक, अब यहां समझना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया था आपको, वैसे तो मैंने पूरा बना लिया था, फिर भी कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया था, बिल्कुल यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ तक 12 तक, यहाँ 12 तक ना, हाँ 12 तक आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ कहा गया सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। अब इस क्वेश्चन के लिए हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, अर्थात सिंपल सा इक्वेशन क्या ही लिखना है भैया जी, जितना नंबर दिया हुआ है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये बराबर हो रहा है 288 के बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे नाउ इसका क्यूब कीजिए, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो कितना हो रहा है 288 हो रहा है। अब बड़े आराम से इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा भैया सॉल्व कर रहे थे ना, आप हमेशा ध्यान में रखना, सिंपल सा यहाँ पर आपको x का वैल्यू पुट नहीं करना है, बिकॉज इसमें से कुछ टर्म ऐसा होगा जो कटने वाला टर्म होगा। अब जो कटने वाला टर्म है सिंपल सा, आप वहां पर भी अगर x का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बेवजह सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व मत करना, पूरा पहले सॉल्व करो, y का वैल्यू अकेला करो, तब जाकर के आपको x का मान पुट करना है, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, और जो हम लोग कल फॉर्मूला सीखे थे, अभी कल कहाँ, कल ही, लेकिन इसी लेक्चर का कल के पार्ट में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, वो क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता और x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता, ये आपको बताना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझोगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो याद कर लियो। क्या होता है x क्यूब, मेरे साथ दोहराओगे, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है। हाँ भैया ये हम जानते हैं, अगेन x माइनस वाई का होल क्यूब का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस
वाई क्यू। अब मुझे इस फॉर्मूले में ये बताओगे कहाँ कहाँ हम लोग जीरो लगाने वाले, हम सब जगह प्लस जानबूझ करके लगाए हैं अभी, आप ये बताओगे कहाँ कहाँ हम माइनस लगाए। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया हाँ जहाँ पर वाई पर पावर ऑड रहेगा वहां पर आपको माइनस लगाना है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाओगे, यहाँ वाई पर पावर थ्री यहाँ पर आप माइनस लगाओगे। हम चाहते हैं आप हर एक टर्म को समझो, रटो नहीं और रट भी लेना, मेरी बात मानो तो ठीक है, रट भी लेना, क्योंकि ये सब फॉर्मूला लगातार निरंतर आते रहेगा आपके लाइफ में जब तक आप मैथ पढ़ोगे। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप समझ लो, क्लियर कर लो। और एक बात, अगर ध्यान में नहीं आता तो प्लस माइनस इस तरह ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, वो ध्यान में नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये ध्यान में रखना है पावर, देखो y पर पावर 1 है तो मेरा माइनस आएगा, y पर पावर 3 है तो मेरा माइनस आएगा, बस वो देखना है आपको पावर क्या आ रहा है, पावर के अनुसार आपको चलना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बोलोगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, अगेन माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिए, अगर यहाँ एक्स क्यूब था यहाँ पर एक्स क्यूब लिखेंगे, प्लस यहाँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था यहाँ पर हम लोग क्या ही लिखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस पहले वाई क्यूब, कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाया, हम पावर को देखते हैं, पावर अगर विषम रहेगा तो माइनस लगाना है, पावर अगर विषम रहेगा तो माइनस लगाना है, इस बात को समझना, इस बात को मैं भूल भूल के थक गया हूँ, वरना याद कर लूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 288, वरना एक और फॉर्मूला होता है अगर वो ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स, ये फॉर्मूला नहीं याद करना आपको, यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है, तब देखो मल्टीप्लाई करने बाद ठीक रहेगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी ठीक है, यहाँ माइनस लगाना होगा आपको, ठीक है, तब ये फॉर्मूला सक्सेस रहेगा। हम क्या किए, सिंपल से इस दोनों से 3xy कॉमन ले लिए, जैसे ही 3xy कॉमन लिए आपके यहाँ पर क्या क्या बचा वो टर्म हम लोग वहां पर लिखे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने को इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3xy का मल्टीप्लाई करो, आपका यही टर्म आने वाला, माइनस का देखो 3 गुना एक्स गुना वाई गुना एक्स करेंगे 3x स्क्वायर वाई होगा और फिर माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर वाई हो गया, बिल्कुल सही, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर आपका 3xy स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, सिर्फ आगे में छोड़ के सब जगह माइनस लगा दिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना, ध्यान में रखने के लिए जितना फॉर्मूला होगा मैं सब बताने वाला, लेकिन आपको ध्यान में आपको याद रखना चाहिए, हमें नहीं, आप कैसे याद रखोगे वो मायने रखता है, कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे वो मायने रखता है। देखो यहाँ पर सिंपल सा इसको डिस्क्राइब किए, हाँ भैया, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लिए, फिर यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को डिस्क्राइब कर लिए, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कौन कौन कटत है भैया, ये वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब खत्म, माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब खत्म कर दिए, अगेन और खत्म कौन हो रहा है भैया, ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है, और कौन खत्म हो रहा है भैया, और कोई खत्म ना हो रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तीन बार एक्स क्यूब है, यहाँ पर हम लोग थ्री एक्स क्यूब लेने वाले, ठीक है, बताओ कहीं कोई समस्या तो समझना है, तीन बार एक्स क्यूब था थ्री एक्स क्यूब ले लिए, अब हमारा थ्री एक्स यहाँ पर देखो थ्री एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर थ्री एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, इसके बदले में एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर प्लस थ्री कितना होगा प्लस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सिक्स लेने वाले इक्वल टू 288, हमको सिंपल सा वाई स्क्वायर से मतलब है, आपसे कोई मतलब ना हमका, आप जाइए अपने साइड, ठीक है, इसको बराबर किस तरह भेजते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्स एक्स वाई स्क्वायर रह जाएगा, हाँ भैया ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही है हमें, अगेन ये थ्री एक्स क्यूब बराबर किस तरफ आएगा तो अपने रूप आकार पर अपना रूप चेंज कर लेगा, यहाँ प्लस है बराबर किस तरफ आकर के माइनस थ्री एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या तो पूछ लो हमसे अभी तुरंत पूछो, यहाँ पर ये थ्री एक्स क्यूब अभी प्लस में है, जैसे इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर सिक्स एक्स वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सिर्फ सिक्स एक्स को भेजेंगे तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो बराबर किस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा, इसमें काफी परेशानी होता है आपको, कृपया करके यहाँ पर अपनी परेशानी को खत्म कीजिएगा और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं और अच्छे अच्छे आराम से कैमरा भी जो है ना हिल जावत है क्या, चलिए ठीक अच्छे तरीके से देखो, यहाँ एक बार फिर से लिखेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ओके, बिल्कुल आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, अगेन यहाँ देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 3x क्यूब बटे 6x है, यहीं पे हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना पुट x इक्वल टू 4 पुट करने वाले, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लोग 4 पुट कर लेंगे, तो 288 या माइनस 3 इंटू
4 का होल क्यूब करने वाले बटे 6 इंटू 4 करने वाले। इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, 64 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। भैया पता है हमका क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल सा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो ठीक है। अगेन 3 मल्टीप्लाई 64 करेंगे कितना हो जाएगा, भैया हमका पता है 192 हो जाएगा ना। बहुत ही प्यारा सा ये रिजल्ट निकला है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ 288 माइनस 192 ठीक है, आराम से नीचे में क्या हो गया 24 हो गया 6 मल्टीप्लाई 4। भैया जी ये बहुत ही आसान था, हाँ बहुत आसान था, हाँ जी बहुत आसान था। अगेन 96 यहाँ 24, ये 2 टाइम्स मेरा खत्म हो, 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में खत्म हुआ ना, भैया जी कुछ भी करते हैं 4 टाइम्स में खत्म हुआ, मतलब 24 से 96 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आता, अच्छा से कटा ठीक है, समझ में आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 24 से 96 में डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 4 गया, अर्थात प्लस माइनस 2 निकल गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अर्थात y का वैल्यू बारी बारी से एक बार प्लस 2 पुट करने वाले और एक बार हम लोग माइनस 2 पुट करने वाले, देखो कैसे कितना आंसर आने वाला। यहाँ लिखोगे हैंस हैंस 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी क्या होगा, एक बार प्लस 2 पुट करो तो x का मान कितना है 4 है, 4 प्लस 2 ना, तो 4 माइनस पहले से था, यहाँ y का मान हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, फिर x का मान 4, फिर x का मान 4 प्लस y का मान 2 पुट किए कितना हो गया, तो सिंपल सा 2 4 और 6 हो गया, और फिर से हम लोग माइनस 2 पुट करेंगे y के जगह पर तो आपका रिजल्ट 6 4 और 2 हो जाएगा, इसी का कन्वर्स हो जाएगा। बस यही आपका प्यारा सा सॉल्यूशन हो चुका है, इतना सा ही आपको काम करना था, ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और अगले क्लास से हम लोग सम पढ़ने वाले। भैया ठीक है, सम पढ़ने में तो बहुत ही मजा आने वाला है, हाँ जी बहुत मजा आने वाला है, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ओके ठीक है। भैया पढ़ेंगे अगेन अगेन अगेन, यहाँ ध्यान दोगे समझ जाए, सब समझते हुए चल रहा है। जानते हो एक बात, हम लोग जो है सिर्फ 2020 तक ही क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता है आपको, नहीं पता मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जो 2021 2022 2023 जितना भी ये आपके पिछला 2-3 साल का है ना, उसको हम लोग एग्जाम के लास्ट में जो है आपसे करवाना चाहते, और जो नहीं समझ में आएगा उसको एग्जाम के लास्ट में जैसे कि जनवरी फरवरी में आप ही सॉल्व करोगे, इसलिए उसको भी छोड़ के रख रहे हैं। भैया हम आपके विचार को समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए बच के रहियो, जनवरी में सिर्फ यही सब होने वाला है, जनवरी फरवरी में ठीक। मैं पहले से सोच के चल रहा हूँ कैसे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, बस आपको जितना मैं कह रहा उतना करते चलो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा मान के चलना ठीक है, मानना नहीं है ऐसा होगा ही। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका है बेहतर तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन अभी देखने वाले, फिर क्या करना है, फिर मजा करना है, क्या करना है बताओ। फिर एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आपका डे से, फिर वहीं पर यह लेक्चर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। मुझे क्या कहूँ मैं आपको, मुझे पढ़ाते समय जो है ना जो ब्रेक हो जाता है ना बीच में, उससे सख्त नफरत है मुझे। सेम यही चीज़ वहाँ पर भी हुआ था, लगभग हर एक लेक्चर में ये हो ही जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना, बस आपको सॉल्व करना है। हम लोग 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब चौथा क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं फटाफट से। मुझे फिर बाद में जो है ना वीडियो को ऐड करना पड़ता है, वहाँ समस्याएं हो जाती है। एक साथ जब वीडियो बनता है ना फिर तुरंत आराम से अपलोड करना होता है सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं, देखो चौथे नंबर क्वेश्चन पे अपना संपूर्ण समर्पण आपको देना है और अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा ही आसान है, बस क्वेश्चन को देखो और समझने का प्रयास करो, हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, बस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करना है। कम से कम क्वेश्चन समझ लिए होगे और क्या क्वेश्चन में कहा गया उसको लिख लिए होगे। क्वेश्चन देखो यहाँ सिंपल सा कहा गया है, हमको प्यारा सा एपी दिया हुआ है, देख रहे हो मतलब भैया एपी कहाँ दिया हुआ है। अच्छा पहले क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, हमको एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। सच डेट इस प्रकार है कि द नंबर्स, ये कुछ नंबर दिया हुआ है आर इन एपी, अर्थात एपी में कौन कौन सा नंबर है, सिंपल सा ए है, 7 है, बी है, 23 है और सी है, ये सारा नंबर हमारा एपी में है। अच्छा एपी में है, सिंपल सा यही चीज आपको लिखना है, ये सब मेरा एपी में है। इस एपी के हेल्प से आपको जो है ये क्या ही क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, भैया मेरा पहला टर्म सिंपल सा यहाँ के आप बताओगे, इसमें पहला टर्म क्या है, इसमें सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है और फिफ्थ टर्म क्या है बताओगे। भैया पहला टर्म हमारा ए है ठीक है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म मेरा बी है,
फोर्थ टर्म मेरा 23 और फिफ्थ टर्म मेरा सी है। आराम से इसको लेना है और इसको लेना है जहां पर नंबर दिख रहा है, और वहां से इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। सेकंड टर्म मेरा 7 है। अब हम A2 को कह सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 7, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अगेन यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारा 23 है, अर्थात A प्लस 3D इक्वल टू A प्लस, बोलोगे A प्लस 3D इक्वल टू 23। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का प्यारा सा इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A और D का वैल्यू निकलेगा, आराम से बन जाने वाला, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं होने वाला, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे वो देखते हैं। बना सकते हो आप आराम से A2 इक्वल टू 7, यहाँ पर A प्लस डी इक्वल टू 7 हो गया, यहाँ पर A4 इक्वल टू 23, आराम से A प्लस 3D इक्वल टू 23 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, अगर ये बन जाएगा कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला। देखो कैसे बनेगा, आपको सिर्फ मिलाना है। उम्मीद करते हैं आप A और D का वैल्यू निकाल लिए होंगे। A और D का वैल्यू निकालने के बाद आप पहला टर्म A निकाल सकते हो, यहाँ पर थर्ड टर्म B इक्वल टू A3 होगा, A प्लस 2D, A और D का मान पुट करोगे बन जाएगा। अगेन यहाँ पर C मेरा फिफ्थ टर्म है, C बराबर A5 होगा, A5 बराबर A प्लस 4D, A और D का पुट करोगे, C का भी वैल्यू निकल जाएगा, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करते क्या नहीं करते वो समझते हम लोग। ठीक है, सिंपल सा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हम लोग। यहाँ दिया हुआ है गिवन डेट, क्या दिया हुआ है पहले खुद से प्रयास करना, क्या दिया हुआ है वो समझो। हमको दिया हुआ है यहाँ पर ये AP दिया हुआ है। ठीक है, AP क्या क्या है उसको समझते हैं। A है, 7 है, B है, 23 है और C है। इस पूरी AP में जो है यहाँ पर हमको सेकंड टर्म दिया हुआ है, हियर क्या दिया हुआ है सेकेंड टर्म A2 दिया हुआ है 7। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी इक्वल टू 7। अगेन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ हमको फोर्थ टर्म दिया हुआ है 23। आराम से A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इक्वल टू 23। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते। अब यहाँ पर नाउ इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये बात है, आराम से करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, क्या है A प्लस 3D इक्वल टू 23 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 7 हो गया। इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना, A तो पहले खत्म हो जाएगा, 3D और डी आपस में 2D बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 7 है, 7 6 13 अर्थात 16 हो गया। अब यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग का बहुत ही प्यारा सा टर्म निकलेगा, वो टर्म क्या है भैया, 8 हो जाएगा डी का वैल्यू। बहुत अच्छी बात है, डी का मान 8 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी का मान मेरा 8 निकल गया। बहुत अच्छी बात, अगेन यहाँ देखोगे डी का वैल्यू 8 निकल चुका है। अब सिंपल सा किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ भैया, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे, जल्दी ए का वैल्यू निकालोगे। ए का वैल्यू निकालने के बाद आप बोलोगे भैया हैंस हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, ए का वैल्यू निकल जाएगा आपका, वो लिख लोगे। फिर बी निकालना है, बी कौन सा टर्म है भैया, बी तीसरा टर्म है A3 है, A3 अर्थात A प्लस 2D, A और D का मान पुट करोगे, बी का वैल्यू निकल जाएगा। अगेन सी का मान क्या होगा, सी का मान 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा टर्म है A5, यहाँ से A5 अर्थात A प्लस 4D, A और D का मान पुट करोगे, सी का मान निकल जाएगा। जल्दी से A का मान निकालो, अगर समझ में नहीं आ रहा A का मान कैसे निकालेंगे देखो। तब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं D का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस डी इक्वल टू 7, ये बन जाएगा आपसे बनेगा, आपको सिर्फ आंसर मिलाना है, क्या बन रहा है, क्या आंसर निकल रहा है, क्या आंसर नहीं निकल रहा है, हमें पूर्णता विश्वास है आपके ऊपर, आप बना लोगे इसको। A का मान क्या है नहीं पता, D का मान क्या है 8 है, 8 पुट कर दिए, इक्वल टू 7, यहाँ से A बराबर 7 माइनस 8 हो गया, अर्थात A बराबर यहाँ माइनस 1 हो गया। A का मान माइनस 1, D का मान 8, अब पुट करते हैं A का मान माइनस 1, यहाँ पर D का मान हम लोग पुट करेंगे कितना 8, अर्थात A का मान माइनस 1, 2 गुना D का वैल्यू 8, इसको सॉल्व करेंगे मेरा 15 हो जाएगा। अगेन फिर से A का मान माइनस 1, यहाँ D का मान 8 पुट करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा। बस यही मेरा A, B और C का वैल्यू निकल चुका है, यही हमको निकालना भी था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे बनाने के लिए। ठीक भैया, कुछ क्वेश्चन क्या ही देने वाले, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला देते हैं याद करने के लिए, वो फॉर्मूला याद करोगे और कल कोशिश करेंगे जितना हम लोग AP में पढ़े हैं ना उसी को रिवीजन करवा दें एक बार, कल यही प्रयास करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा AP, जैसा हम समझ के चल रहे हैं, इधर लास्ट का 2-3 लेक्चर छोड़ करके बाकी ये बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाओगे आप, ठीक है, अपने मन को शांत कर लोगे, जो आपका इधर का भटक रहा है थोड़ा शांत हो जाओगे, शांत हो गए होगे, यहाँ देखोगे सिंपल सा। हम लोग AP में अभी तक ये देख रहे थे, जैसे कोई AP है, ये AP का पहला टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, A3, A4, A5, इस प्रकार हम लोग टर्म लिखते थे।
ये सब सीखे हुए थे, जहां पर A1 हमारा जो है A के बराबर था, A2 हमारा A प्लस D के बराबर था, A3 हमारा A प्लस 2D के बराबर था, A4 हमारा A प्लस 3D के बराबर था, A5 हमारा A प्लस 4D के बराबर था, बिल्कुल से ये सब हम लोग जानते थे, इस प्रकार इसको लिखते थे। अभी इस टर्म को डिस्क्राइब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे थे कि हाँ A5 को A प्लस 4D लिखते हैं। अब हम लोग ये सीखने वाले, अगर हम बोल देंगे कि इसका जो है 10 टर्म तक आपको ऐड करके लिखना है, या फिर इसी AP को हमको 5 टर्म तक ही आपको ऐड करके लिखना है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इसका वैल्यू क्या होगा, तब कैसे निकालोगे आप, तब कैसे निकालोगे, तब वहाँ तो आपको समस्याएं होंगी। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा AP है, वो AP क्या है समझोगे, जैसे ये बहुत ही प्यारा सा AP है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये AP हमारा जा रहा है। हम बोलेंगे क्या आप जो है 1 से लेकर 10 तक ऐड करके लिखना है, यहाँ तक नंबर कितना होगा, n का वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके n का वैल्यू देखते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का वैल्यू 10 ही है। हम बोले कि आपको 1 से लेकर के 10 तक ऐड करके लिखना है, तो आप बोलोगे भैया ऐसे फॉर्मूला थोड़े लगता है, हम सिंपल सा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसको जोड़ देंगे भैया। अच्छा जोड़ के बताओ कितना होगा, इसको जोड़ने के बाद पता चला हमको कितना, 3 3 6 4 10, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 इधर हो गया, 10 यहाँ हो गया, 9 8 17 6 5 11 11 9 20, ठीक है 8 7 15, तो 10 20 30 10 40 40 40 10 50 55, इसका वैल्यू मेरा 55 हो गया, ठीक है सबको ऐड कर दिए। तो ऐसे आप ऐड करोगे, बिल्कुल नहीं, अभी आप ऐसे ऐड कर पा रहे हो। अगर मान लो ऐसा AP आ जाएगा, ऐसा AP भैया जितने बताइए, तो यहाँ पर आपका रहेगा 1, फिर रहेगा आपका 4, फिर रहेगा आपका 9, ये AP नहीं, ये AP नहीं, ऐसा रहेगा, मैं बताता हूँ, 1 4 फिर आपका रहेगा 7, इस प्रकार ही भी रहेगा। अब टर्म ही आपको नहीं देंगे, आपको बोलेंगे क्या इसका जो है टोटल 20 टर्म तक, n का वैल्यू 20 है, आपको 20 टर्म तक इसको ऐड करना है। यहाँ तो बस हम लोग 10 टर्म तक ही ऐड किए थे, यहाँ पर आपको 20-20 टर्म तक ऐड करना होगा, कैसे ऐड करोगे, वहां तो समस्याएं बढ़ जाएंगी ना। उस समस्या से दूर, मतलब उस समस्या को खत्म करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताओगे, इसको हम लोग 10 टर्म तक ऐड कर रहे हैं, इसका मैंने आपको श्री श्री 108 भैया जी महाराज ने क्या ही शॉर्ट फॉर्म बताया था भैया, हमें याद है, आप इसको बोला करते थे एस 10 बोला करते थे, मतलब हमको 10 टर्म तक इसको ऐड करना है AP को, तो एस 10 बोल दिए। स्टार्टिंग में ये मैंने समझाया था आपको, शायद आपको ध्यान में ही होगा, भैया हमको ध्यान में है, बहुत अच्छे, इसी प्रकार आपको मेरी हर एक बात ध्यान में रखनी है। अगेन एस 10 का मतलब इसको 10 टर्म तक ऐड करना, अगर हम बोलेंगे एस 5 का मतलब क्या होगा, इसको 5 टर्म तक ही ऐड करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अगर हम बोलेंगे S3 इसका मतलब क्या हुआ भैया, S3 बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ इसको जो है हम मात्र 3 टर्म तक ही ऐड करेंगे। अब हम ये जानेंगे इसमें कैसे कौन सा फॉर्मूला उपयोग करने वाले, उस फॉर्मूले को सीखना है हम लोग को, तो सिंपल सा यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला लिखते हैं, आज आपका एक ही काम होगा, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करना, बेहतर तरीके से याद करना है, और आपको हम इसी से एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए आज, क्वेश्चन ऑफ द डे में, ठीक है, उम्मीद करते हैं वो एक क्वेश्चन आप बना के लाओगे। देखो SN का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है, n/2 into 2a + n-1 into d। अब हम इसी फॉर्मूले पर अपना विचार करने वाले, क्या होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ पर एक और जानते हो, अब फॉर्मूले आपके सामने, आप फॉर्मूला आप जो है आपके सामने हम डायरेक्ट लिख दिए, क्यों लिख दिए मुझे पता है, आप अब उस काबिल बन चुके हो, आपके सामने ये टर्म अब नया नहीं रहा, यह पुराना हो चुका है, आप जान रहे हो ए क्या होता है, आप जान रहे हो डी क्या होता है, आपको पता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया है, तो यहाँ पर आपका सर भारी नहीं हो रहा होगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम ऐसे समझाते ना, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता। एक और प्यारा सा फॉर्मूला है SN का, क्या, n/2 into a + l, ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ पता है L क्या है, A पता है, L क्या है, L क्या है लास्ट टर्म है, हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से इस पर बहुत मेहनत किए हुए हैं, है ना, मेहनत किया है ना। अच्छा इस फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, इसको एस टेन का मान निकालना चाहेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया एस टेन का मान निकालना है ना, एन का वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक है एस टेन का मान निकालना है, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, तो क्या होगा n/2 into a + l होगा, ठीक है एन का वैल्यू 10 ले रहे हैं, बिल्कुल एन का मान 10 लीजिए, 10/2, ए का मान क्या होगा भैया, ए का मान क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म ले लिए 1, ठीक है 1 ले लिए, एल का मान क्या होगा, सिंपल सा लास्ट टर्म क्या है भैया, लास्ट टर्म इसका है 10, तो 10 लिख लिए, ठीक है।
इसको सॉल्व कर दे, 2 5 10 या 5 × 1 10 11 अर्थात 55 निकल गया। बताओ इससे कोई आसान होगा? कितने अच्छे तरीके से हम फॉर्मूले को बस उपयोग कर और बना रहे हैं। हम यहाँ दो क्वेश्चन लिखते हैं, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए देंगे, तो आपको बनाना है, अच्छे तरीके से बनाना है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना, भैया हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर समस्याएं हो रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज समझ रहे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये मान के चलते हैं, देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बस आपको समझना है। ओके ठीक, देखो यहाँ ये दे दिया आपके सामने। अब बोल रहे हैं इसको जो है ना, आपको n इक्वल टू 16 टर्म तक आपको जोना है, 16 टर्म तक आपको इसको ऐड करना है, अर्थात यहाँ पर n16 का फॉर्मूला पुट करना है आपको, ठीक है। अब ये नहीं पता है 16 टर्म कौन सा है, मजा आएगा। हाँ जी, यहाँ देखो ap दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये टर्म है। हम बोल रहे हैं आपको n इक्वल टू इसको 18 अर्थात इसको 18 टर्म तक इसको जोड़ना है। भैया 18 टर्म तक जोड़ेंगे तो हो गया कल्याण, फिर मेरा कल्याण आपका नहीं होगा, आपको फॉर्मूले से जोड़ना है। कैसे फॉर्मूला उपयोग करना है, कोई एक बताने वाले हैं, अर्थात यहाँ S18 का मान निकालना है, इसमें से कौन सा बता दे। भैया मुझे पता है कौन सा पूछना है, आप ये बताइए, मुझे पता था आप यही पूछने वाले हो। देखो यहाँ पर कैसे बताना है, कैसे बताना नहीं, कैसे बनाना है वो समझना है आपको। सिंपल सा हम एक काम करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या इसने हमको लास्ट टर्म दिया होगा, नहीं दिया हुआ है, तो इस लास्ट टर्म का फॉर्मूला उपयोग नहीं करना है। जानते हो ये फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल सा इस 2a को डिस्क्राइब किए, मतलब डिस्क्राइब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए a प्लस a के फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एल के बराबर होता, और a को यहाँ लिख लिए a प्लस l हो गया। अच्छा ये बातें हम कल डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर आप सीखो और कछु ना करो। सिंपल सा यहाँ n बाई 2 है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn का, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता था, इसलिए हम इस फॉर्मूले के ऊपर आए हैं। अगेन n का वैल्यू 10 लेने वाले, 16 लेने वाले ना, n का वैल्यू 16 लेने वाले हैं, तो 16 बाई 2 इंटू 2a, a का मान 3 है, 2 × 3 प्लस n का वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, d का मान 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 8 निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया, 8 इंटू 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 8 इंटू 6 प्लस 45, सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई 51, 408 निकल गया, ठीक है। बहुत आसानी से बनाए हम लोग, कहीं कोई समस्या नहीं था, बहुत मजा आया होगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप खुद बना के लाओगे, ये आपके लिए घर से बनाने के लिए हुआ, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले अच्छे तरीके से पुट करके आपका बनना चाहिए, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, बिल्कुल सही। और आज जो जितना ब्रेक हुआ ना उसके लिए सॉरी।